नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त करण, और आप सभी दोस्तों से मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज जो है लाइव स्ट्रीम करने में, एंड यहां से जो है अब देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा। फिलहाल जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और जो है जुड़ जाइए दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में। एक सेकंड, मैं जो है यहाँ पे लगा देता हूँ अपना स्कोर कार्ड। फिलहाल के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मुकाबला है आज किसके नाम रहेगा, कौन ये मुकाबला अपने नाम करेगा? अपना अपना ओपिनियन जो है ज़रूर से दीजिएगा दोस्तों इस मुकाबले को लेकर। यहाँ से एक बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखते हैं आगे क्या रहता है इस मुकाबले का नतीजा दोस्तों। जी हाँ, स्कोर कार्ड यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। अब टीम नेम में थोड़ा सा चेंज, देखो यार पहले ही क्षमा चाहता हूँ मैं आप सभी दोस्तों से, बहुत बहुत सॉरी, मैं मतलब थोड़ा सा लेट हो गया लाइक, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और यहाँ से थोड़ा सा और एक सेकंड का वेट करना पड़ेगा आपको। मैं पानी वानी पी लेता हूँ, उसके बाद जो है प्रॉपर कमेंट्री अपन लोग करेंगे। ये टीम नेम भी चेंज कर लेता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा सा, ये आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं। वेट अ सेकंड गाइस। भाई अब भी जस्ट यार मैं क्या है ना कि आज जो है आपने देखा होगा बहुत टाइम से सुबह सुबह डेली डेली मैं उठ के लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, और फिर सारा सेटअप वगैरह आजकल बना रहा हूँ लाइव स्ट्रीम का, तो मतलब लाइक टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं मतलब सो नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद बहुत टाइम बाद पूरी हुई है, तो लाइक अच्छा लग रहा है दोस्तों आज सही में, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अभी तो तंजानिया आई है खेलने के लिए, मलेशिया दूसरी छोर पे है, तो अपन इसको यहाँ पे लाते हैं और ये डाल देते हैं, ठीक है। लाइक मतलब आज थोड़ा सा अच्छे से सोया हूँ मैं, तो भाई लोग मज़ा आया मेरे को। अब कमेंट्री भी अच्छे से होगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कमेंट्री आप लोग बिल्कुल भी जो है टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों, आज जो है मुकाबला रोमांचक रहेगा दोनों ही टीमों के बीच। सो एक सेकेंड और रुक जाइए, और यहाँ पे जो है मेरा सेटअप कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। और देखो यार जिस जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये मुकाबला जो है किसके नाम रहेगा?
इस ओवर की जो है तीसरी गेंद और ये विकेट हमें देखने को मिल चुका है दोस्तों, बढ़िया विकेट। और मेरे चश्मा भी पहनना है भाई, देख नहीं रहे लाइक चश्मा पहन लेता हूँ तो देख भी नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे एक और नई लाइव स्ट्रीम में। आज का जो ये मुकाबला है तंजानिया बनाम ये मुकाबला खेला जा रहा है मलेशिया के बीच, एक बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और जितने तो भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस ओवर की दूसरी गेंद पे हमें विकेट देखने को मिला है, गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क हुआ नहीं और गेंद सीधे जाके फील्डर के हाथों में जाकर गिरी है दोस्तों। एक बड़ा झटका यहाँ पे लग चुका है और यहाँ से जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए। क्रिकेट चैनल यूट्यूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों और तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस रोमांचक मुकाबले में। अज़ीज़ मुबारक आए और विकेट चटका कर जा चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी यहां पर अज़ीज़ मुबारक के द्वारा। फिलहाल जो है मैं लोगो भी चेंज कर देता हूं, लोगो भी सेम लग रहा है, ठीक है। सो गाइस, तंजानिया बनाम मलेशिया के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस रोमांचक मुकाबले में। और जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है दोस्तों, जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दीजिए। जी हाँ, यही है मलेशिया का लोगो, तो ये लगा देते हैं हम इस ओवर की जो है तीसरी गेंद। और ये हमें सिंगल देखने को मिला है, एक रन के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा दोस्तों। इस ओवर की तीसरी गेंद और ये हमें सिंगल देखने को मिला तंजानिया बनाम मलेशिया के बीच रोमांचक मुकाबला। इस ओवर की चौथी गेंद और ये डॉट गेंद आती हुई कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद ठिकाने पे गेंद जाकर गिरी है। इस ओवर की चौथी गेंद और ये हमें डॉट गेंद देखने को मिली है दोस्तों, कोई रन नहीं। करंट रन रेट की बात की जाए तो 4.50 का यहाँ पे जो है करंट रन रेट चलते हुए तंजानिया बनाम मलेशिया के बीच ये 10वां मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें आमने सामने हैं, एक रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद है दोस्तों आज हमें दोनों ही टीमों के बीच। यहाँ से देखते हैं आगे क्या रहता है। इस ओवर की चौथी गेंद और ये बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है क्योंकि गेंद जो है लाइन से बाहर है, वाइड गेंद हमें देखने को मिली है। इस ओवर की चौथी गेंद एक्स्ट्रा रन यहाँ पर आते हुए दोस्तों, फिलहाल 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये तंजानिया की टीम। और जो है इस ओवर की पांचवी गेंद चौका यहाँ पर जड़ दिया है, कमाल का ये शॉट, मस्कुटर आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। करंट रन रेट 5.38 का यहाँ पे चल रहा है, 8 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। और इस ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल जो है 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये जो है इस 5 ओवर की समाप्ति के बाद ये 27 रन दोस्तों 2 विकेट यहाँ पर हो चुके हैं। और जो है जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या रहता है इस
रोमांचक मुकाबले का नतीजा और जो है देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। सत्ताईस रन 3 विकेट के नुकसान पर ये तंजानिया की टीम इस ओवर की पहली गेंद मस्कुटर आउट होते हुए दोस्तों यहां पर शुरुआत विकेट के साथ होते हुए ये बड़ा विकेट इनका गिर चुका है और ये विकेट सिंह के नाम रहा। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर इस ओवर की पहली ही गेंद पर चटका दिया है विकेट दोस्तों। काफ़ी बड़ा विकेट यहाँ पर हाथ लगा है और जाना होगा इनको पवेलियन की ओर। एक और ये सफलता यहाँ पर हाथ लगी है दोस्तों। सो देखते हैं आगे यहाँ से क्या रहता है इस मुकाबले का नतीजा। फिलहाल जो है आगे देखते हैं यहाँ पे जो है ये इस ओवर की शुरुआत LBW आउट होते हुए बल्लेबाज। फिलहाल के लिए आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। ये जो है इस ओवर की दूसरी गेंद देखना होगा नए बल्लेबाज जब बैरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो देखते हैं किस प्रकार की इनकी बल्लेबाजी रहती है और यहाँ से जो है इस ओवर की दूसरी गेंद और जो है लेट्स सी दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद क्या रहती है। शुरू जो कि यहाँ पर दूसरी छोर पर हैं स्ट्राइक पर हैं यहाँ पे जबीरी दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ से जो है तंजानिया को एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। पिछले मैच में तंजानिया का काफ़ी खराब प्रदर्शन हमें देखने को मिला मलेशिया बनाम तंजानिया। देखते हैं ये मुकाबला जो है लाल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो है यहाँ से फिलहाल इस ओवर की तीसरी गेंद हमें डॉट गेंद देखने को मिली है कोई रन नहीं और ये चौथी गेंद फिर से एक और यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई दोस्तों। इस ओवर की पहली 4 गेंदें चारों की चारों यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई और देखते हैं यहाँ से आगे क्या रहता है। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे तंजानिया की टीम और ये जो है अबे यार करंट रन रेट रुको दोस्तों करंट रन रेट 4.63 का यहाँ पे चलते हुए और ये जो है इस ओवर की यहाँ पे अगली गेंद और देखते हैं क्या रहता है यहाँ पर मुकाबले का नतीजा दोस्तों। एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल ये एक जो है मैडन ओवर हमें देखने को मिला। फिलहाल दोस्तों यहां से जो है ये 6 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे ये तंजानिया की टीम दोस्तों। एक काफी रोमांचक ये मुकाबले भाई तो क्रिकेट कमेंट्री आवाज सुन जैसे कुछ आतंकी घटना हुआ है। भाई ये ऐसे कमेंट मत किया करो यार
मैं भाई अपनी कमेंट्री एक बार सुन लेता हूँ भाई, देखता हूँ मैं कैसी कमेंट्री करता हूँ भाई हर कोई किसी किसी टाइम पे। लाइक अभी अभी उठा हूँ ना मैं, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी नज़र आ रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे दोस्त। आपके इस कमेंट का हम ज़रूर से निवारण हम निकालेंगे। और लाइक अभी अभी उठा हूँ यार, अब कोई उठते ही भाई मतलब लाइक कमेंट्री में बैठ जाए तो फिर थोड़ी सी होती है मतलब तो बेकार कमेंट्री। आई नो आई अंडरस्टैंड गाइस, चलिए कोशिश करते हैं सुधारने की। सुबह की पहली की दौड़ ये हमें डॉट के देखने को मिली है, कोई रन नहीं। और जे बार ये जो कि स्ट्राइक पर हैं सामना करते हुए सुबह की दूसरी गेंद का, देखता हूँ भाई कैसी कमेंट्री कर रहा था। तीन विकेट के नुकसान पे ये तंजानिया की टीम दोस्तों, एक काफी रोमांचक का ये मुकाबले। हाँ सही तो हो रहा है भाई, मतलब लाइक 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये ओवर की बात करें तो ये 7वां ओवर चलते हुए अजीज़ मुबारक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो देखते हैं अजीज़ मुबारक यहाँ पर किस प्रकार की गेंदबाजी करते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं अजीज़ मुबारक। इस ओवर की जो है तीसरी गेंद हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद ठिकाने पे गेंद यहाँ पर जाकर गिरी है दोस्तों। इस ओवर की पहली ये डॉट गेंद आती हुई, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद डॉट गेंद फिर से, और ये चौथी गेंद सिंगल हमें देखने को मिली है। और देखते हैं इस ओवर की दो गेंद और यहाँ पर शेष बची हुई है। और यहाँ से दोस्तों आगे देखते हैं इस रोमांचक मुकाबले का क्या नतीजा निकलता है। यहाँ पर जो है नासुरू जो कि 2 रन बना चुके हैं 3 गेंदों पे, और देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा दोस्तों। इस ओवर की चौथी गेंद और ये हमें जो है सिंगल देखने को मिला है, और जो है यहाँ पे आगे देखते हैं क्या रहता है इस मुकाबले का नतीजा दोस्तों। इस ओवर की चौथी गेंद और ये सिंगल आते हुए 1 रन के साथ यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ेगा। फिलहाल नसुरु मूसा जो कि 2 रन बना चुके हैं 3 गेंदों पे, और देखते हैं आगे क्या रहता है। इस ओवर की जो है आखिरी गेंद हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद ठिकाने पे गेंद यहाँ पर जाकर गिरी है दोस्तों। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे तंजानिया की टीम। और यहाँ से आगे देखते हैं क्या रहता है मुकाबले का नतीजा। फिलहाल करंट रन रेट की बात की जाए तो वो 4.43 का ये जो है करंट रन रेट चलते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ से आगे ये यहाँ से 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे तंजानिया की टीम, तंजानिया बनाम मलेशिया के बीच एक काफ़ी रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। नासुरु जो कि 4 रन बना चुके हैं 5 गेंदों पे, सिंह ये जो है यहाँ पर 1 विकेट ले चुके हैं। फिलहाल के लिए इस ओवर की पहली गेंद ये बोल्ड आउट होते हुए एक और झटका यहाँ पे लगते हुए इस ओवर की शुरुआत। यहाँ पर सिंह काफ़ी कमाल के बल्लेबाज हैं, जेबरी का विकेट निकालते हुए इस ओवर की पहली ही गेंद पर हमें बोल्ड आउट देखने को मिला है। जाना होगा पवेलियन की ओर, झटका लगते हुए दोस्तों एक और यहाँ पे मुकुल इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ब्रिज वॉचर हमारे साथ, बिंग वॉचर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। फिलहाल स्टेटस किंग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
और यहाँ से जो है सोवर की पहली ही गेंद पर जो है यहाँ पर बोल्ड आउट होते हुए। फिलहाल ये जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जिस जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ से जो है जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और जिस जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है लाइक का बटन दबाना लाजमी है दोस्तों। यहाँ से इस ओवर की पहली गेंद हमें जो है विकेट देखने को मिला जेबरी, जो कि 1 रन बना चुके हैं 8 गेंदों पे, और यहाँ से तंजानिया 31 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट की बात की जाए तो 4.33 का यहाँ पे चलते हुए, और अब देखते हैं अगले बल्लेबाज यहाँ पे कौन आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जेबरी जा चुके हैं। ये भाई आंड्रे रसल कब तक बेचारा यहाँ पे मुंह में हाथ लगा के आउट आउट बोलेगा आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। ये जा चुका है खिलाड़ी, और देखते हैं आगे यहाँ पे जेबरी जो कि 1 रन बना चुके हैं और अब सामना करते हुए नजर आएंगे इस ओवर की अगली गेंद पे। नसुरू 4 रन बना चुके हैं 5 गेंदों पे, और ये इस ओवर की अगली गेंद, और देखते हैं क्या रहती है। फिलहाल पहली गेंद और इस विकेट हमें देखने को मिला है, और ये दूसरी गेंद देखते हैं जेबरी यहाँ पर सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का। तैयार हैं इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। सो गाइज़ देखो यार जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और जिस जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ से आगे देखते हैं क्या रहता है मुकाबले का नतीजा। इस ओवर की दूसरी गेंद डॉट गई, तीसरी गेंद सिंगल, और ये इस ओवर की चौथी गेंद नासुरु स्ट्राइक पर हैं, सामना कर रहे हैं इस ओवर की चौथी गेंद का सिंह जो कि गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की चौथी गेंद, और ये हमें फिर से डॉट गेंद देखने को मिली है। कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद यहाँ पर, और देखते हैं दोस्तों आगे क्या रहता है इस ओवर की पाँचवीं गेंद। तैयार है नासुरु मूसा फिर से इस गेंद का सामना करने के लिए। 4 रन बना चुके हैं 6 गेंदों पे। ये इस ओवर की पांचवी गेंद का सामना करने के लिए क्या तंजानिया आज जो है जीत का स्वाद चख पाएगी, या फिर से घुटने टेकने होंगे यहाँ पर एक और नई टीम के सामने, क्या मलेशिया के सामने घुटने टेकेगी या फिर घुटने खड़े करके चलेगी, सम्मानजनक जीत यहाँ से खड़ी करेगी या फिर एक निराशाजनक हार यहाँ से मिलेगा, ये वक्त बताएगा दोस्तों। 8 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे ये तंजानिया की टीम। करंट रन रेट की बात की जाए तो वो 4.00 का ये जो है करंट रन रेट चलते हुए नज़र आ रहा है। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ से 9 लाइक हो चुके हैं, एक और लाइक बचा हुआ है तो फटाफट से एक और लाइक दबा दीजिए दोस्तों। 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे ये तंजानिया की टीम। यहाँ से आगे एक काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हार्ड ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे ये तंजानिया की टीम, और देखते हैं दोस्तों यहाँ से ईसा और नासुरु यहाँ पर किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकार है दोस्तों, तंजानिया को एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ से ज़रूरी है, तो देखते हैं ये पार्टनरशिप क्या ये दोनों ही बल्लेबाज लेकर आ सकते हैं, देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। इस ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद आती हुई, और देखते हैं इस ओवर की दूसरी गेंद क्या रहती है। ईसा जो कि 3 रन 3 गेंदों पे 1 रन बना चुके हैं सामना कर रहे हैं इस ओवर की दूसरी गेंद का। तैयार हैं इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। फिलहाल जो है ये नासुरु यहाँ पर काफ़ी जो है बढ़िया बल्लेबाज, देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। इस ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद आती हुई, और जो है
यहाँ पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर देखते हैं क्या रहता है। और ये चौका हमें देखने को मिला है, कमाल का शॉट, टाइमिंग बेहद ही खूबसूरत, गेंद और बल्ले का बेहतरीन संपर्क, गेंद गोली की रफ्तार से भी तेज जा रही है, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए पहली गेंद डॉट गेंद, दूसरी गेंद चौका। और देखते हैं, इस ओवर की तीसरी गेंद हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद, 4 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से, 3 गेंदें और बची हुई हैं। तो देखते हैं इस ओवर की जो है यहाँ पर चौथी गेंद क्या रहती है। तैयार हैं बल्लेबाज ईसा, यहाँ पर हल्के हाथों से खेलते हुए इस गेंद को गैप में धकेलते हुए, 1 रन की मांग है और तीजी के साथ 1 रन पूरा करते हुए। फिलहाल 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से, इस ओवर की 5वीं गेंद। और देखते हैं यहाँ पर नासुरू जो कि स्ट्राइक पर हैं सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का, और तैयार हैं इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए। लेट्स सी दोस्तों ये इस ओवर की 5वीं गेंद क्या रहती है। फिलहाल जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा दोस्तों, और जो है जुड़ जाइएगा इस रोमांचक मुकाबले में। एक बढ़िया मुकाबला यहाँ से होते हुए नज़र आएगा और देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा दोस्तों। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से इस ओवर की आखिरी गेंद डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, और इसी डॉट गेंद के साथ 9 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति, 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे ये जो है तंजानिया की टीम। इस ओवर की आखिरी गेंद और ये डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, और इसी डॉट गेंद के साथ यहाँ पे जो है 9 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति, 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और देखते हैं आगे क्या रहता है मुकाबले का नतीजा, आखिरी गेंद देखना होगा। बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच, यहाँ से मलेशिया बनाम तंजानिया के बीच एक काफ़ी रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, और ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहेगा दोनों ही टीमों के बीच। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिसने भी अभी तक लाइक का, अबू तुएर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अबू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे MD मुन्ना भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिनॉय हेल्डर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टेटस किंग भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकुल इस्लाम भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। जोर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, गैप में धकेला है, 1 रन की मांग है और तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। शुरुआत इस ओवर की सिंगल के साथ होते हुए दोस्तों तंजानिया की टीम 39 रन 4 विकेट के नुकसान पे, करंट रन रेट की बात की जाए तो 4.25 का यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहा है करंट रन रेट दोस्तों। तंजानिया ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का यहाँ पे फैसला करते हुए इस ओवर की पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद हल्के हाथों से फिर से खेला है और 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। इस ओवर की पहली 2 गेंदें 2 सिंगल हमें देखने को मिली हैं और इस ओवर की तीसरी गेंद और ये हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद दोस्तों। इस ओवर की चौथी गेंद और ये डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं।
दो गेंदों और शेष बची हुई हैं, तो देखते हैं इन दो गेंदों पे और कितने रन हमें देखने को मिलते हैं। दो रन आ चुके हैं, तंजानिया बहुत ही जो है ख़राब स्थिति में नज़र आ रही है। एक धीरे धीरे एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनरशिप ज़्यादा टाइम तक टिकेगी। 9 रनों की पार्टनरशिप आ चुकी है 15 गेंदों पर, देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। 19 गेंदबाजी करते हुए अपना पहला ही ओवर लेकर आए हैं, इस ओवर की जो है 5वीं गेंद, और देखते हैं 19 यहाँ पर किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। तैयार हैं 19 गेंद का सामना करने, सॉरी 19 यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर की आखिरी 2 गेंद है, दोनों की दोनों यहाँ पर डॉट गेंद है। इसी के साथ ड्रिंक ब्रेक का समय हो चुका है दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आप सभी के सामने फिर से मुलाकात होगी।
क्षमा चाहते हैं दोस्तों, आज थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, मतलब अप्स एंड डाउन्स, मतलब एक कंटिन्यूसली हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। और यहाँ से जो है विकेट हमें देखने को मिल चुका है इस ओवर की चौथी गेंद पर। जुम्बे अली आए हैं नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं किस प्रकार की इनकी बल्लेबाजी रहती है। एक और झटका यहाँ पर लग चुका है।
दोस्तों यहाँ से जो है 16वां ओवर चालू हो चुका है इस ओवर की पहली गेंद और ये हमें विकेट देखने को मिला है। नीचे फील्डर मौजूद और इस कैच को यहाँ पे लपक लिया है दोस्तों। इस ओवर की शुरुआत ये विकेट के साथ होते हुए दोस्तों एक बढ़िया विकेट यहाँ पर हाथ लगा है और ईसा जो कि 22 रन बनाकर आउट हुए हैं, जाना होगा पवेलियन की ओर और देखते हैं यहाँ पर सिंह जो कि गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस ओवर की पहली गेंद और ये हमें विकेट देखने को मिला है। एक बड़ा विकेट यहाँ पर हाथ लगा है। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। JT व्लॉग्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सास फिल्म बंगला जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये इस ओवर की दूसरी गेंद हल्के हाथों से खेला है। इस गेंद को गैप में धकेला है, 2 रन की मांग है और तेजी के साथ 2 रन पूरे कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस ओवर की तीसरी गेंद डॉट गेंद और चौथी गेंद हमें फिर से डॉट गेंद देखने को मिली है और यहां से 2 लगातार ये डॉट गेंद आती हुई जमो योनी यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं तो देखते हैं इनकी यहाँ पे किस प्रकार की जो है बल्लेबाजी रहती है। जोबोनो के भाई ऐसे मतलब नाम है ना इनके कि भाई क्या कहूँ भाई, पढ़ा ही नहीं जाता इनके ऐसे नाम है, मतलब लाइक भाई कैसे नाम रख लेते हैं ये। जबोने के भाई ईसा गुड नेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लड़कियों का नाम है भाई। इस ओवर की 5वीं गेंद और ये हमें जो है 2 रन देखने को मिले हैं, 2 रन की मांग, तेजी के साथ 2 रन पूरे किए। इस ओवर की आखिरी गेंद डॉट गेंद आती हुई और इसी डॉट गेंद के साथ 16 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 6 विकेट के नुकसान पे तंजानिया की टीम। दोस्तों एक बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला जो है दोनों ही टीमों के बीच आज खेला जा रहा है और यहाँ से जो है तंजानिया बनाम मलेशिया के बीच
ये 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर और शेष बचे हुए हैं पहली इनिंग के। तंजानिया के पास अब 4 ओवर बचे हुए हैं, तो देखते हैं तंजानिया क्या 100 रन प्लस यहाँ पर जो है टारगेट रख पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल तंजानिया बहुत ही कमज़ोर है, पिछले मैच में भी इन्होंने जो है हार का सामना करना पड़ा, 3 लगातार मुकाबले हार कर आई है। वहीं मलेशिया की बात करें तो मलेशिया पिछले 3 में से 2 मुकाबले जीती है, एक मुकाबला इन्होंने बहरीन के खिलाफ जो है हारा था। फिलहाल आखिरी मुकाबला अपना जीत कर आई है मलेशिया की टीम, और आज का भी जो हमारा प्रेडिक्शन था वो यही था कि मलेशिया इस मुकाबले को अपने नाम करेगा और वही यहाँ पर होते हुए नज़र आएगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों, आप लोग भी जो है अपना अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं एक बार पोल डाल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को अपना अपना जो है प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। यहाँ से हु विल विन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने हु विल विन, कौन जीतेगा, ठीक है। एक लिख देते हैं मलेशिया, एंड अपना अपना वोट कीजिए, मतलब आप कौन सी टीम को यहाँ पर, आपकी कौन सी आज फेवरेट टीम है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं और जो है अपना अपना वोट कीजिए पोल में। दोस्तों पोल मैंने क्रिएट कर दिया है इस ओवर के दूसरे, ये हल्के हाथों से खेला है इस गीत को, गैप में धकेला है, पहला रन तेजी के साथ लिया है, दूसरे रन की भी मांग है और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। कमाल की यहाँ पर जो है भागने की गति देखने को मिली है इस ओवर की दूसरी गेंद पे, ये 2 रन पे तब्दील कर दिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच यहाँ पे हमें देखने को मिली। आमिर आजिम जो कि गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और ये देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद तैयार हैं जाबोनोके यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से जो है सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का, तैयार हैं इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार गेंद है हवा में और ये विकेट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है दोस्तों, बड़ा विकेट यहाँ पर हाथ लगा है, कैच आउट होते हुए नीचे फील्डर मौजूद हैं और इस कैच को यहाँ से लपक लिया है दोस्तों। और पोल्स में नज़र डालूँ तो यहाँ पर 11 वोट हो चुके हैं, जहां से मलेशिया को 67% वोट मिल चुके हैं। तंजानिया को भी लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता, मतलब आप लोगों को क्लियर मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के देता हूं कि भाई आज ये वाली टीम जीतने वाली है, मतलब लाइक भाई फिर भी आप लोग पता नहीं। नो चिंता, 90 से 101 के बीच में बनेगा भाई, सास फिल्म जी का कहना है, अब्बू भाई का कहना है 99 रन होबे। अब्बू भाई आई थिंक बंगाल से जुड़े हैं हमारे साथ, और यहाँ से एमडी रॉकी जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। सचिन कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, फिलहाल के लिए यहाँ से जो है विकेट हमें देखने को मिल चुका है जाते हुए पवेलियन की ओर। ठाकुर यहाँ पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने के लिए, सो गाइज ये बल्लेबाज निराश हैं और जाते हुए पवेलियन की ओर, और अब ठाकुर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का। तो देखते हैं यहाँ से आमिर आजिम को ये 2 विकेट मिल चुके हैं दोस्तों, क्या आमिर आजिम एक और विकेट इसी ओवर में निकाल पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में एक और विकेट आने वाला है दोस्तों, यहां से एक और विकेट आने वाला है, तैयार हो जाइए। 77 रन 7 विकेट के नुकसान पे तंजानिया की टीम, इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और विकेट हमें देखने को मिलेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और देखते हैं भाई नेपाल के घर हारा, भाई नेपाल के घर हारा सुशील बुंसल हमारे साथ नेपाल से जुड़े हुए हैं, आई थिंक शायद ये नेपाल से जुड़े हुए हैं, नेपाल
स्वागत है सुशील भाई आपका बहुत बहुत। और हमारे साथ सास फिल्म भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभी वोट्स देखता हूँ मैं क्या है, मतलब लाइक भाई मलेशिया को 59 और तंजानिया को अभी भी लोग सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन है भाई वो तंजानिया को सपोर्ट करने वाला इंसान, मुझे समझ नहीं आता। जब आप लोगों से कह देता हूँ कि मैं भाई ये वाली टीम जीतने वाली है तो उसी को भाई फेवरेबल बनाओ यार। मैं मतलब लाइक डेली यहाँ पे इतना मतलब पूरा मैच का इन्फॉर्मेशन निकाल के हर एक चीज़, हर एक प्लेयर्स के बारे में, यू नो स्टैट्स के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में मैं मतलब प्रीव्यू बनाता हूँ, उस हिसाब से मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन देता हूँ नॉर्मली। या मैं ऐसे नहीं बोल लूँगा कि मलेशिया मेरी फेवरेट टीम है तो मलेशिया ही जीतेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैंने मलेशिया बोला है तो कल मैं तंजानिया भी बोल सकता हूँ, बेस्ड ऑन आवर प्रेडिक्शन, बेस्ड ऑन आवर टैक्टिक्स, बेस्ड ऑन आवर मतलब स्ट्रेटजी, यू नो लाइक मतलब यहाँ पे पास परफॉर्मेंस, हर एक चीज़, मतलब पिच कंडीशन वगैरह हर एक चीज़ देख के जो है मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। तो उस बेस पे आप देख सकते हैं अभी तक हमने जो है 5 मैचों की प्रेडिक्शन की है, 5 में से हमारे 4 मैच पास हुए हैं। 1 मैच में हमारा थोड़ा सा ख़राब प्रेडिक्शन हो गया था, उसके लिए मैं जो है आप क्या ही कह सकता हूँ, कभी कभी ख़राब प्रेडिक्शन हो जाता है। बट हमारे 5 में से जो है 4 प्रेडिक्शन अभी तक क्लियर निकले हुए हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको दे देता हूँ, एक दिन पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे देता हूँ कि हाँ भाई ये वाली टीम जीतने वाली है। तभी कहता हूँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों तक हमारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप तुरंत हमारे चैनल पर एंटर कर ले। जोर की पहली गेंद और ये डॉट गेंद हमें देखने को मिली है और दूसरी गेंद ये विकेट, एक और झटका यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर ठाकुर का विकेट गिरा है दोस्तों इस ओवर की जो है दूसरी गेंद पर। काफ़ी बड़ा विकेट हमें देखने को यहाँ से मिला है ठाकुर का, 3 गेंदों पे यहाँ पे 1 रन बनाकर आउट हुए ठाकुर। जाना होगा पवेलियन की ओर और ये आंद्रे रसल पूरा भाई आउट करार देते हुए स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ओ सॉरी आंद्रे रसल बोल दिया मैंने इसको यार। डीजे मैं भाई क्या ही बोल देता हूँ लाइक सम टाइम ना। गाइस जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में दोस्तों। यहाँ से जो है ये अब जाते हुए खिलाड़ी पवेलियन की ओर बोल्ड आउट हुए दोस्तों सीधे गेंद। ये सुबह की एक और विकेट हमें देखने को मिल चुकी है, मप्पी का आए और जा चुके हैं इस ओवर की तीसरी गेंद पर, एक और विकेट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है दोस्तों। बैक टू बैक का ये विकेट आते हुए यहाँ से, सर या तो गेम वाला क्रिकेट है, लाइव क्रिकेट तो नहीं है, ये तो गेम वाला क्रिकेट है, लाइव क्रिकेट ये लाइव क्रिकेट ही में मेरे दोस्त और एमडी राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मलेशिया विन बाय 50 ओवर, गोल सी टीवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस रोमांचक मुकाबले में। जोहान भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 25 वोट हमारे को मिले हैं जिनमें से 52% मलेशिया को सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं। तंजानिया को भी काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आई डोंट नो व्हाई, शायद इन्होंने हमारा प्रीव्यू नहीं सुना या फिर आप लोग हमारे को फॉलो नहीं करते हैं, मुझे लगता है इसी वजह से आपने वोट किया है तंजानिया को। अगर आप उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो आप तंजानिया को फॉलो नहीं करते, अभी आपने लगाया होता मलेशिया पे और अच्छा खासा लेके बैठे होते, आराम से मतलब चिल कर रहे होते। फिलहाल इस ओवर की 3 गेंदें और शेष बची हुई है, नकान्या आए हैं यहाँ पर, क्या हमें हैट्रिक देखने को मिलेगी, हैट्रिक बॉल यहाँ पर है तो देखते हैं क्या ये हैट्रिक आएगी। इस ओवर की 4th गेंद और ये जो है हमें यहाँ से डॉट गेंद देखने को मिली है, हैट्रिक का यहाँ पे जो है माहौल बना था लेकिन हैट्रिक यहाँ पर मिल नहीं पाई, 82 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब मैं बताऊँ यहाँ पे 95 रन बनेंगे, उसके ज़्यादा नहीं बनेंगे, एग्जैक्ट 95 रन बनेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों।
देखते हैं आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप लोग भी अपना अपना प्रेडिक्शन जो है कमेंट्स के थ्रू देते रहें। और सैम फिल्म्स बंगला जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जो है सैम भाई का प्रेडिक्शन ये है कि 12 ओवर में मलेशिया विन करेगा, देखते हैं सैम भाई क्या होता है। गोल्सी टीवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यहाँ से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 18 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 82 रन 9 विकेट के, नहीं मेरा ये प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे 89 रन बनेंगे, या दैट्स माय प्रेडिक्शन। और 18 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति, 82 रन 9 विकेट के नुकसान पे तंजानिया की टीम। और मलेशिया की कमाल की गेंदबाजी हमें देखने को मिली है, बिल्कुल भी यहाँ पर बल्लेबाजों को जो है बड़े हिट लगाने का मौका ही नहीं दिया, सारे बल्लेबाजों को भेज दिया पवेलियन के रास्ते। ब्रोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 85 से ज़्यादा नहीं बनेगा, ब्रोकर भाई का कहना है, मुझे लगता है 85 से ज़्यादा बन जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, लाइक 85 प्लस हो जाएगा ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि भाई ईसा है, ईसा अगर एक चौका भी जड़ जाए तो मतलब कोशिश तो पूरी रहेगी इसकी, बट मुझे लगता है ये ईसा ही कहीं आउट ना हो जाए कैच आउट, बड़ा हिट मारने गया क्या पता, और बड़ा हिट मारने के चक्कर में आउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। फिलहाल अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। और एम ईसा बैक टू बैक 26 प्लीज़, सास फिल्म जी का कहना है मेरा प्रेडिक्शन 90 क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्लोजी टीवी का कहना है, देखते हैं भाई 90 प्लस क्लोज हो पाएगा या नहीं। जोए की पहली गेंद ईसा है स्ट्राइक पर, कमाल की गेंद, ये सटीक लाइन सटीक लेंथ गिर गई है ठिकाने में, बल्लेबाज ये दुविधा में, कोई रन नहीं। जोए की शुरुआत यहां पे डॉट गेंद के साथ होते हुए दोस्तों, पहली गेंद कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद ठिकाने पे गेंद यहां पर जाकर गिरी है, दूसरी गेंद विकेट यहां पर, जी हां यहां से ये सिंगल देखने को मिला, सॉरी पहली गेंद पे ईसा ने स्ट्राइक दिया यहाँ पर नकान्या को, और नकान्या अपना विकेट गवा बैठे, और इसी के साथ इनिंग ब्रेक हो चुका है। और किसका कहना था कि 80 प्लस नहीं बनेगा, भाई का प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट निकला, वेरी गुड प्रेडिक्शन ब्रो, दैट्स रियली नाइस, अप्रिशिएट। सो आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगले इनिंग में, तो तब तक के लिए अभी तक इजाज़त दीजिए आप सभी से, थोड़ी देर बाद फिर से लौट के आएंगे दोस्तों आप सभी के सामने, तो तब तक के लिए जो है रेस्ट कीजिए या फिर मज़े कीजिए दोस्तों, और वापसी आपको ज़रूर से आनी है दूसरे वाली इनिंग में, और भी मज़ा आएगा देखने में मुकाबला, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले इनिंग में।
Oh.
Thank you.
वेलकम बैक दोस्तों। और ये खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मलेशिया को ज़रूरत है मात्र 84 रनों की 120 गेंदों पे। तो देखते हैं आगे क्या रहता है इस मुकाबले का नतीजा। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से जुड़ जाइए। और ये जो है ज़्यादा बड़ा रनचेज है नहीं, और जो है यहाँ पर छोटा सा रनचेज है आसानी के साथ।
तो आ गाइस, यहाँ से जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस रोमांचक मुकाबले में। और यहाँ से खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग भी जो है अब बढ़ जाइए इस रोमांचक मुकाबले में। और जो है जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जल्दी से आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक का बटन दबा दीजिए। तंजानिया की टीम आज मात्र 83 रन ही बना पाई, और जो है ज़्यादा बड़ा रन चेज़ है नहीं है, 84 रनों का ये रन चेज़ हमें देखने को मिलेगा। इस ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, इस गेंद को गैप में धकेला है, 1 रन की मांग है और तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस ओवर की शुरुआत यहाँ पे सिंगल के साथ होते हुए, और जो है आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा दोस्तों ये मुकाबला। इस ओवर की पहली गेंद और ये हमें सिंगल देखने को मिला है। ठाकुर आए हैं गेंदबाजी में, सिंह जो कि बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की जो है दूसरी गेंद का आप सामना करेंगे। यहाँ पर ये गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ से अपना अपना ओपिनियन कमेंट्स के थ्रू देते रहें कि आपका क्या मानना है, ये मुकाबला जो है आज किसके नाम रहेगा, कौन इस मुकाबले को अपने नाम करेगा। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी अपनी अपनी राय जो है कमेंट्स के थ्रू देते रहें। फ़िलहाल के लिए यहाँ से एक सेकेंड में पार्टनरशिप को ऐड कर लेता हूँ। और दोस्तों यहां से जो है इस ओवर की तीसरी गेंद, और ये एक और बढ़िया गेंद ठिकाने पे गेंद जाकर गिरी है, और ये फिर से हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद ठिकाने पे गेंद यहां पर जाकर गिरी हुई है दोस्तों, डॉट गेंद आती हुई फिर से बढ़िया गेंद, और ये जो है इस ओवर की तीसरी गेंद, और ये हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। और देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा दोस्तों। यहाँ से जो है इस ओवर की जो है पांचवी गेंद, और ये हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, एक और ये बढ़िया गेंद। और यहाँ से इस ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं क्या रहता है इस ओवर की आखिरी गेंद पे। फिलहाल ये फ़िलहाल यहाँ से
तो गाइस यहाँ पर 75 रनों की दरकार है 122 गेंदों पे, और देखते हैं यहाँ से आगे क्या रहता है इस बेहतरीन मुकाबले का नतीजा। मलेशिया बनाम तंजानिया के बीच ये रोमांचक मुकाबला होते हुए नज़र आ रहा है इस ओवर की दूसरी गेंद, और ये हमें लेग बाई का सिंगल देखने को मिला है। 1 रन के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद बोल्ड आउट होते हुए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ से हाथ लग गया है दोस्तों, और मपीका यहां पर विकेट चटकाते हुए नजर आए हैं इस ओवर की जो है तीसरी गेंद पर, एक काफी बड़ा विकेट यहां पर जो है चटकाते हुए ये जो है आउट होते हुए दोस्तों। बल्लेबाज यहां से जाना होगा पवेलियन की ओर, एक और बड़ा विकेट यहां पर गिर चुका है। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस रोमांचक मुकाबले में 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जुबान ईडी, ये पता नहीं क्या नाम है भाई, ये आउट हो चुके हैं यहाँ पर जुबान ईडी यहाँ से, और देखते हैं मपीका को यहाँ पर सफलता मिली है, बोल्ड आउट किया है यहाँ पर बल्लेबाज को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगते हुए। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। लव सॉन्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई का कहना है कि 130 रन ओपन चैलेंज बेर हो जाओ जीतो, क्या कहना चाह रहे हो भाई। जेटी व्लॉग्स हमारे साथ, मलेशिया वन ओपन चैलेंज, ब्रो ये तो क्या बोला था, ब्रोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रोकर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ से लव सॉन्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 83 रन नीते गए, देखो कोई तो आउट हो जाए, देखते हैं आगे क्या रहता है इस मुकाबले का नतीजा दोस्तों। और जो है अब 75 रनों की दरकार है 111 गेंदों पे, मलेशिया 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की तीसरी गेंद पे हमें विकेट देखने को मिला, और आज अजीज़ आ चुके हैं, ये मुबारक अजीज़ मुबारक का जो है बल्लेबाजी करते हुए अजीज़ मुबारक, देखते हैं यहाँ पे जो है किस प्रकार की बल्लेबाजी दिखाते हैं, क्या ये जो है अपनी टीम की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे। यहाँ से अगर तंजानिया को इस मैच में जो है विन करना है ना, तो इसी प्रकार की गेंदबाजी की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली विकेट चटकाने होंगे। और जो है यहाँ पर इस ओवर की चौथी गेंद तब्दील कर दिया है इस गेंद को, 4 रनों में आते ही यहाँ पर चौका जड़ दिया है दोस्तों, ये अजीज के बल्ले से खाता खोला है चौके के साथ, कमाल का शॉट, कमाल की टाइमिंग की, गोली की रफ्तार से भी तेज गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इस ओवर की चौथी गेंद, और ये चौका हमें देखने को मिला है। और जो है 2 गेंदों और से इस बची हुई हैं, तो देखते हैं इन 2 गेंदों पे हमें कितने रन और देखने को मिलते हैं। जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा दोस्तों, और जो है जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले में। इस ओवर की 5वीं गेंद, और ये हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद ठिकाने पर गेंद जाकर गिरी है। और यहाँ से जो है इस ओवर की आखिरी गेंद फिर से डॉट गेंद आती हुई, और इसी डॉट गेंद के साथ 2 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे मलेशिया की टीम तंजानिया बनाम मलेशिया के बीच एक काफ़ी रोमांचक ये मुकाबला खेला जा रहा है। और यहाँ से जो है इस ओवर की ये हो चुकी है समाप्ति, इसी डॉट गेंद आई हुई आखिरी 2 गेंदें, कोई रन नहीं, ये मलेशिया की टीम यहाँ से मुझे लगता है आसानी के साथ जीत सकती है इस मुकाबले को, ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं इनको इस मुकाबले को विन करने में दोस्तों। फ़िलहाल के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोग आप लोग देख रहे हो ना, आप में से कुछ ही लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मलेशिया को 67% वोट मिले, आ गए हैं ब्रदर फिर से प्रिडिक्शन देने, ब्रोकर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रोकर भाई हमारे को प्रिडिक्शन देंगे। अभी देखो भाई का प्रिडिक्शन काफ़ी कमाल का रहता है, एक तो जेटी व्लॉग्स हो गए और एक ये हो गए, दोनों ही एक्सपीरियंस बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई लोगों का प्रेडिक्शन कमाल का रहता है, मज़ा आता है इनके प्रेडिक्शन को देखने में।
फिलहाल के लिए इस ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, इस गेंद को गैप में धकेला है, एक रन की मांग है और तेजी के साथ एक रन पूरा कर लिया है। इस ओवर की शुरुआत यहाँ पे सिंगल के साथ होते हुए दोस्तों, और देखो यार अगर आप यहाँ से नए हैं हमारे चैनल पे तो जहाँ को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले में दोस्तों। इस ओवर की तीसरी गेंद और ये देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया है बाउंड्री लाइन की ओर और ये चौका यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल चुका है इस ओवर की जो है तीसरी गेंद पर। इस ओवर की तीसरी गेंद पर हमें चौका देखने को मिला है दोस्तों, ये खूबसूरत शॉट बाउंड्री आते हुए कमाल का शॉट, गेंद और बल्ले का लाजवाब संपर्क, मिड विकेट की दिशा में ये शॉट हमें देखने को मिला, काफ़ी खूबसूरती के साथ ये चौका आते हुए दोस्तों। और देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद क्या रहती है। फिलहाल ये इस ओवर की चौथी गेंद और ये हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद ठिकाने पे गेंद जाकर गिरी है और अब बल्लेबाज अजीज जो कि स्ट्राइक पर हैं सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, तो देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद क्या रहती है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस ओवर की अगली गेंद और ये खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस गेंद को फील्डर मौजूद हैं, तेजी के साथ एक रन पूरा कर लिया है। इस ओवर की पांचवी गेंद और ये हमें सिंगल देखने को मिला है, स्ट्राइक पर आ चुके हैं सिंह जो कि अब सामना करेंगे इस ओवर की ये पांचवी गेंद का, और ये पांचवी गेंद सिंगल देखने को मिला, अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे सिंह। पांचवी गेंद पे अजीज ने यहाँ पे सिंगल लिया था और अब जो है जुम्बे अली काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नज़र आते हैं, अपना पहला ही ओवर लेकर आए हैं ये, यहाँ से जुम्बे अली गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद, और जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बाउंस इस गेंद पे देखने को मिला है और जो है अंपायर ने ये वाइड गेंद करार दिया है, आई थिंक सो, जी हाँ ये वाइड गेंद है दोस्तों। इस ओवर की जो है आखिरी गेंद फिर से डालनी होगी, थोड़ा सा जो है ये उछाल ज़्यादा थी और काफ़ी बाहर थी लेग साइड में गेंद, और ये इस ओवर की आखिरी गेंद, और फिर से यहाँ पर गेंदबाज जाते हुए रनअप लेते हुए आखिरी गेंद डालते हुए दोस्तों। यहाँ से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 20 लाइक्स का हमारा टारगेट है, तो 20 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। इस ओवर की आखिरी गेंद और ये जड़ दिया है चौका दोस्तों, कमाल का ये शॉट, और इसी चौके के साथ जो है तीन ओवरों की हो चुकी है समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति के बाद ये जो है यहाँ पर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर ये मलेशिया की टीम तंजानिया बनाम मलेशिया के बीच एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ से दोस्तों ये तीन ओवरों की समाप्ति हो चुकी है 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये यहाँ से जो है एक विकेट गिरा है जो कि काफ़ी सही है, देखो यहाँ पे लाइक बल्लेबाजी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और जो है अगर ये जस्ट क्रीज पर टिके भी रहते हैं ना तो भी ये मुकाबला जीत जाएंगे। लव सॉन्ग बोल रहे हैं मलेशिया ईटो वालों खेले ना, लव सॉन्ग बोल रहे हैं 83 रन नीते गए देखो कोई तो आउट हो जाए। अच्छा ये तो पढ़ लिया मैंने, GL जीत रहा ड्रीम इलेवन में, मैं मिनी GL जीत रहा, अरे बढ़िया ब्रो कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे भाई, बस ऐसे ही लगे रहो और जीतते रहो, ढेरो इनाम मज़े करते रहो ज़िंदगी में। फैंस और AV हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 6 ओवर 45 अंडर, या डेफिनेटली 45 अंडर 6 ओवर, इट्स यू आर राइट। एंड यहाँ से जो है लव सॉन्ग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और ये इस ओवर की पहली गेंद, विकेट हमें देखने को मिला है, विकेट मिला है दोस्तों। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ होते हुए अजीज यहां पर अपना विकेट गंवाते हुए
इस ओवर की पहली ही गेंद पर जाना होगा पवेलियन की ओर। ये जो है बड़ा विकेट हाथ लगा है दोस्तों इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ होते हुए, और अब देखते हैं अगले जो है बल्लेबाज कौन आते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद और ये हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं, और ये भाई मेरे को पहले हटाना पड़ेगा। इस ओवर की जो है पहली गेंद विकेट और उसके बाद दो लगातार डॉट गेंद है। मपीका यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए दो विकेट चटका चुके हैं मपीका अभी तक। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी इनके द्वारा हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ से देखते हैं इस ओवर की चौथी गेंद क्या रहती है, और ये बढ़िया गेंद यहाँ पर गेंद पढ़कर अंदर को आई। यहाँ पे अच्छी गुड लेंथ की गेंद यहाँ पर मिडिल में यहाँ पर गेंद देखने को मिली, और ये इस ओवर की चौथी गेंद सिंगल ले लिया है। जी हाँ, एक रन आते हुए यहाँ से जो है सिंह अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जो कि सामना करेंगे इस ओवर की जो है चौथी गेंद का, और नहीं पांचवी गेंद का सामना करेंगे। और ये यहाँ पर लेग साइड में गेंद काफ़ी बाहर, ये गेंद लाइन लेंथ से भटके ये मपीका, और ये एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिलेंगे मलेशिया को। इस ओवर की जो है पांचवी गेंद फिर से डाली जाएगी, वाइड गेंद हमें देखने को मिली, और देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का। ज़्यादा रन चीज़ है नहीं, बड़ा रन चीज़ है नहीं, 58 रन चाहिए 98 गेंदों पे, कोई भी टीम आसानी के साथ बना लेगी। और देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा दोस्तों। जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, और जो है जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में। इस ओवर की पांचवी गेंद और ये हमें सिंगल देखने को मिला है, एक रन के साथ ही यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोस्तों इस ओवर की पांचवी गेंद पे। सो देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा। और यहाँ से देखो यार, जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस रोमांचक मुकाबले के। एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला खेला जा रहा है, इस ओवर की हो चुकी है समाप्ति 28 रन दो विकेट के नुकसान पर। मलेशिया की टीम 96 गेंदों पे अब 56 रनों की दरकार है दोस्तों, और ये जो है करंट रन रेट 7.00 का, रिक्वायर्ड रन रेट 3.50 का। अब देखते हैं आगे क्या रहता है इस मुकाबले का नतीजा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मलेशिया की शुरुआत भी उतनी अच्छी हुई नहीं है, देखा जाए तो यहाँ पर मलेशिया की शुरुआत ऑल्सो उतनी ही मतलब ख़राब रही है। देखा जाए दोनों ही टीमों की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है तंजानिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पे तंजानिया इस वक्त जो है 19 रन एक विकेट के नुकसान पर था, मलेशिया 28 रन दो विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू सिचुएशन के हिसाब से बात करें, इस वक्त तंजानिया काफ़ी अच्छे पोजीशन में था क्योंकि विकेट नहीं गंवाया था। और यहीं पे बात की जाए मलेशिया दो विकेट ऑलरेडी गंवा चुका है दोस्तों,
तो आगे देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल के लिए 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, ये 5वां ओवर चालू होते हुए जुम्बे अली आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। ये 5वें ओवर की पहली गेंद, हमें डॉट गेंद देखने को मिली है, कोई रन नहीं और दूसरी गेंद के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। और यहाँ पर इस गेंद को खेला है आगे की ओर और ये जो है गेंदबाज के हाथ में गेंद टकरा के गिरी है। काफ़ी ख़तरनाक स्पीड से गेंद आई और चोट तो हल्की सी लगी होगी हाथ में, मतलब थोड़ा सा तो भाई दर्द हुआ होगा क्योंकि बहुत स्पीड से मारा था ये गेंद पे, पूरा पावर लगा के। ये अज़ीज़ मुबारक जो कि काफ़ी ख़तरनाक बल्लेबाज हैं। देखो यार, मलेशिया का मिडिल ऑर्डर भी मेरे को अच्छा लगता है, अच्छी बल्लेबाजी करता है मिडिल ऑर्डर। तो अज़ीज़ की बात करें तो इन्होंने पिछले मुकाबले में भी जितना मुझे याद है अच्छी पारी खेली थी, एक जो है 59 रनों की यहाँ पर बहुत ही लाजवाब पारी इनके बल्ले से देखने को मिली मलेशिया के खिलाफ, सॉरी ये कुवैत के खिलाफ, मलेशिया के तो ये हैं ऑलरेडी, कुवैत के खिलाफ एक। ओ इस ओवर की जो है यहाँ पर तीसरी गेंद, ये विकेट हमें देखने को मिल चुका है दोस्तों, आउट होते हुए रन आउट यहाँ पर। घपर रो 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 रे अजीज आउट हो चुके हैं आई थिंक सो, जी हाँ ये आउट करार दिए गए हैं दोस्तों इस ओवर की जो है तीसरी गेंद पर। जाना होगा पवेलियन की ओर, ये जो है यहाँ पर विकेट हमें देखने को मिला है अज़ीज़ का, रन आउट होते हुए अज़ीज़ इस ओवर की तीसरी गेंद पर। काफ़ी बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है दोस्तों, जा रहे हैं पवेलियन की ओर। ये यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा झटका ये लगते हुए दोस्तों। देखो यार, जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। और यहाँ पे आपको बता दूँ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे मलेशिया की टीम, और यहाँ से देखते हैं आगे इस मुकाबले का क्या नतीजा रहता है। और ये जो है फ़िलहाल के लिए दोस्तों आउट होते हुए, रन आउट होते हुए, आई डोंट नो भाई रन आउट हुए हैं या नहीं, जी हाँ रन आउट हो चुके हैं भाई। मैं क्यों भाई इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि स्कोर कार्ड में मतलब दिखाई नहीं रहा है। इस ओवर की तीसरी गेंद और ये विकेट हमें देखने को मिला है, और जो है अब देखते हैं आगे क्या रहता है। इस ओवर की अगली गेंद, चौथी गेंद, हमें सिंगल देखने को मिला है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 5वें ओवर की चौथी गेंद सिंगल आती हुई, और 2 गेंद और से इस बची हुई हैं इस ओवर की, तो देखते हैं इन 2 ओवरों में कितने रन और देखने को मिलते हैं। एक बड़ा झटका यहाँ पर लगते हुए दोस्तों, और ये जो है अज़ीज़ जा चुके हैं 9 रन बनाकर आउट हुए 8 गेंदों पर। और अब देखते हैं अगले बल्लेबाज, ये आए हैं यहाँ पर मोहम्मद, यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की 5वीं गेंद, हल्के हाथों से ये फ्लिक किया है इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया है दोस्तों। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस ओवर की जो है 5वीं गेंद जो है डॉट गेंद देखने को मिली है दोस्तों, कोई रन नहीं। शहादत दत्त, जी हाँ शहादत आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, तो देखते हैं शहादत यहाँ पर किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों। एक अच्छे बल्लेबाज हैं और यहाँ से इनसे एक अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद है, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो है फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी रोमांचक मुकाबला घटित होते हुए नज़र आ रहा है। ये जो है इस ओवर की आखिरी गेंद और ये डॉट गेंद हमें देखने को मिली है, 5 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। और यहाँ से दोस्तों आप सभी को बता दूँ 5 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। भाई क्या बोल रहा है, सही से स्कोर बोर्ड अपडेट कर। देखो मैंने बता दिया है यहाँ पे 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं, स्कोर कार्ड थोड़ा सा पीछे चल रहा है। देखो हमारी कमेंट्री हमेशा आगे चलती है क्योंकि स्कोर कार्ड पीछे चले, लेकिन सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है कमेंट्री हमारी आगे चलती है। अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको सबसे पीछे ही दिखाया जाएगा, तो हम जो है लाइव एकदम चलते हैं। ये थोड़ा सा मतलब स्कोर कार्ड अपडेट कर हो जाएगा 1-2 सेकंड में, तब तक मैं आपको बता दूँ स्कोर क्या हो रखा है। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और ये 6वें ओवर की पहली गेंद गैप में खेला है इस गेंद को, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है और 1 रन पूरा कर लिया है।
ये यहाँ पर जो है सिंगल देखने को मिला है। ये सिंह के बल्ले से इस ओवर की पहली गेंद से ये छठा ओवर चालू हो चुका है दोस्तों। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे ये मलेशिया की टीम 3 झटके यहाँ पे लग चुके हैं और जो है ये छठे ओवर की दूसरी गेंद तैयार है यहाँ पर शहादत इस गेंद का सामना करने के लिए। ये काफ़ी बेहतरीन डिफेंड किया है इस गेंद को, सामने की ओर खेला लेकिन रन का कोई मौका यहां पर बन नहीं पाया। ये छठे ओवर की दूसरी गेंद डॉट गेंद आती हुई। योर लाइव इज़ नॉट फास्ट गाइज, देखो अगर आपको लग रहा है मेरा लाइव फास्ट नहीं है ना तो आप किसी और जाके देख लो, अगर वहाँ पे फास्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे फास्ट चल रहा है कहाँ पे फास्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी स्कोर कार्ड थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसको अभी ठीक हो जाएगा ये 1-2 मिनट के अंदर अंदर, बट कमेंट्री हमारी सबसे आगे चल रही है। लेकिन अदर आप कहीं पे भी देख लो स्कोर कार्ड आपको इससे भी पीछे देखने को मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। इस ओवर की तीसरी गेंद और ये जड़ दिया है 6 रन 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे मलेशिया की टीम, ये छक्का हमें देखने को मिला है छठे ओवर की। जी हाँ, स्कोर कार्ड अपडेट हो रहा है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। ये जो है 6 रन हमें देखने को मिल चुका है इस ओवर की जो है तीसरी गेंद पर। ये मलेशिया 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की तीसरी गेंद, ये 6 रन आते हुए दोस्तों। जुम्बे अली यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और सॉरी जुम्बे अली कह रहा हूँ मैं, या जुम्बे अली आए हैं शायद से, या तो गाइज यहाँ पे जो है काफ़ी रोमांचक मुकाबला ये होते हुए इस ओवर की चौथी गेंद और ये डॉट गेंद हमें देखने को मिली है। कोई रन नहीं, बढ़िया के ठिकाने पे गेंद यहाँ पर जाकर गिरी है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर मलेशिया की टीम। ये छठे ओवर की 5वीं गेंद और देखते हैं क्या रहता है। 36 रन हो चुके हैं दोस्तों 3 विकेट के नुकसान पे। आप लोग कमेंट्स के थ्रू भी स्कोर बता दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे होंगे हमारे साथ जिनको स्कोर पता नहीं होगा। क्योंकि अब ये जो है छठे ओवर की 5वीं गेंद चल रही है और ये काफ़ी आगे गेंद डाली गई है, हल्के हाथों से फ्लिक किया है खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग और ये सिंगल यहाँ पर चुरा लिया है। ये 5वीं गेंद पर सिंगल आते हुए दोस्तों 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर मलेशिया की टीम। इस ओवर की 5वीं गेंद सिंगल हमें देखने को मिला और ये छठे ओवर की जो है छठी गेंद देखना होगा क्या रहता है। इसके बाद पावर प्ले भी समाप्त हो जाएगा, तो देखते हैं इस ओवर की आखिरी गेंद क्या रहती है दोस्तों। तैयार हैं बल्लेबाज इस गेंद का सामना करने के लिए। ये ऑफ साइड पर खेल दिया है इस गेंद को, कवर की दिशा में सिंगल यहां पर चुरा लिया है और इसी सिंगल के साथ 6 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे मलेशिया की टीम दोस्तों। मलेशिया की टीम यहां पर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे एक काफ़ी रोमांचक मुकाबला दोस्तों। 38 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे, 6 ओवरों की हो चुकी है समाप्ति और ये जो है शहादत 7 रन बना चुके हैं जो कि नए बल्लेबाज आए हैं, और वीरदीप सिंह 16 रन बना चुके हैं फिलहाल। जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए दोस्तों और जो है जुड़ जाइए हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले में। एक बढ़िया मुकाबला यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, और जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए। और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों ये मुकाबला जो है आज किसके नाम रहेगा, कौन ये मुकाबला आज अपने नाम करेगा, अपना अपना ओपिनियंस भी देते रहें। मलेशिया वन ओपन चैलेंज बोला था, जी हाँ ब्रो, ये मुकाबला जो है वनेशिया जीतते हुए नज़र आ रही है और ये जीत जाएगी आसानी से इस मुकाबले को मलेशिया। सो आगे देखते हैं क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा, काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। इस ओवर की जो है अब आगे देखते हैं, ये 7वां ओवर चलते हुए 7वें ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं और ये 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, स्कोर कार्ड अपडेट हो चुका है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये इस ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद आती हुई और ये दूसरी गेंद यहाँ पर फ्लिक किया है बल्लेबाज ने इस गेंद को। बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद हैं, 2 रन तेजी के साथ आराम से चुरा लेंगे, तेजी के साथ क्या भाई, मेरे को ऐसा लगता है
बट जी हाँ, 2 रन ही यहाँ पर लिए गए हैं ये 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर। अब यहाँ से 46 रनों की दरकार है 83 गेंदों पे। सो आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया जाएगा आज मलेशिया के द्वारा। एक काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिला। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस रोमांचक मुकाबले में। और जी, जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। और आप लोगों को क्या लगता है, ये रोमांचक मुकाबला जो है आज किसके नाम रहेगा, कौन ये मुकाबला आज अपने नाम करेगा? अपना अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा। फिलहाल जो है यहाँ से आगे देखते हैं क्या रहता है। इस ओवर की दूसरी गेंद 2 रन देखने को मिले 3री गेंद से सिंगल आते हुए। और देखते हैं ये 3 गेंदें और शेष बची हुई हैं इस ओवर की, तो देखते हैं इन 3 गेंदों पे। और स्कोर अपडेट सही नहीं बली, स्कोर अपडेट हो चुका है मेरे दोस्त, आप चेक कर सकते हैं, स्कोर अपडेट हो चुका है, टेंशन लेने की बात नहीं है। स्कोर यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया है इस ओवर की 4थी गेंद। और ये जो है सिंह स्ट्राइक पर है, 20 रन बना चुके हैं 16 गेंदों पे। और यहाँ पे 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे मलेशिया की टीम। ये यहाँ पर इस ओवर की 4थी गेंद और ये गैप में खेला है इस गेंद को, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर इस ओवर की 4थी गेंद हमें डॉट गेंद देखने को मिली। 5वीं गेंद फिर से एक और डॉट गेंद और आखिरी गेंद देखते हैं दोस्तों इस ओवर की क्या रहती है। फिलहाल जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस रोमांचक मुकाबले में। मलेशिया को अब 43 रनों की दरकार है 79 गेंदों पे। और यहां से जो है मलेशिया 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तिरासी रन 10 विकेट के नुकसान पर तंजानिया की टीम। ये जो है सिंह 20 रन बना चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या रहता है इस मुकाबले का नतीजा दोस्तों। फिलहाल जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अंकित लॉक्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कल भी भाई हमारे साथ जुड़े थे, आपका आज भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक मेरे दोस्त। जी टी व्लॉग्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस रोमांचक मुकाबले में। 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट की बात की जाए तो 6.00 का ये जो है करंट रन रेट चलते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। रिक्वायर्ड रन रेट 3.23 का यहाँ पे चलते हुए। मलेशिया बनाम तंजानिया के बीच ये 10वां मुकाबला खेला जा रहा है। यहाँ से आगे मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहेगा दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच मज़ेदार मुकाबला रहेगा, ये जो है आज देखने लायक मुकाबला रहेगा। फिलहाल जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। और यहाँ से देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा। ये जो है 8वें ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है इस गेंद को, गैप में धकेला है, 1 रन की मांग है और तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये 8वां ओवर चालू होते हुए 8वें ओवर की पहली गेंद हमें सिंगल देखने को मिला है दोस्तों, यहाँ पर 1 रन आते हुए। और यहाँ से जो है रिजवान आसिफ आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भाई का कहना है कि 8वें ओवर से 5 रन चाहिए। ठीक है भाई, 5 रन बन जाएंगे, 1 रन तो बन चुका है। तो देखते हैं इस ओवर की दूसरी गेंद क्या रहता है। सादत जो कि यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं और सामना करेंगे दूसरी गेंद का। ये डॉट गेंद हमें देखने को मिली है, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद, ठिकाने पे गेंद जाकर गिरी है। इस ओवर की दूसरी गेंद डॉट गेंद आती हुई और ये तीसरी गेंद देखते हैं, यहाँ पर सादत स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। 41 रन यहाँ पर 76 गेंदों पे चाहिए। करंट रन रेट की बात करें तो 5.86 का चल रहा है, रिक्वायर रन रेट 3.24 का यहाँ पे चलते हुए।
इस ओवर की जो है तीसरी गेंद, देखते हैं क्या रहता है। सआदत जो कि 6 रन बना चुके हैं 7 गेंदों पे, देखते हैं आगे इनका क्या रहता है सीन। फिलहाल के लिए जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस रोमांचक मुकाबले में। और यहां से इस ओवर की तीसरी गेंद, और ये हमें सिंगल देखने को मिला है 1 रन के साथ ही। यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। नकान्या यहाँ पर जो है गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की चौथी गेंद, और ये फिर से हमें सिंगल देखने को मिला है। और ये 5वीं गेंद देखते हैं दोस्तों, ये डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद से ये खूबसूरत चौका यहाँ पर लगाया है, काफ़ी बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा पॉइंट की दिशा में ये चौका यहाँ पर जड़ दिया है। काफ़ी खूबसूरती के साथ ये खेला है ये चौका, बेहतरीन शॉट, गेंद और बल्ले का लाजवाब संपर्क। और इसी चौके के साथ ये जो है 8 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद ये जो है यहाँ पर एक रोमांचक मुकाबला, 49 रन 49 रन यहाँ पर हो चुके हैं। और ये चौका आते हुए दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर। फिलहाल ये देखते हैं आगे क्या रहता है मुकाबले का नतीजा, देखना होगा। एक रोमांचक मुकाबला यहाँ से देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के बीच। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीरनदीप जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आगे देखना होगा दोस्तों क्या रहता है। अब ज़्यादा रन चाहिए नहीं, 39 रन चाहिए यहाँ पर जीत के लिए 73 गेंदों पर। इस ओवर की पहली गेंद धकेला है ऑफ साइड को इस गेंद को, लेकिन फील्डर मौजूद है, रन का यहाँ पे कोई मौका बन नहीं पाया। इस ओवर की पहली गेंद, ये जो है सिंगल हमें देखने को मिला है। 9वां ओवर चालू होते हुए दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद हमें जो है सिंगल देखने को मिला है, सॉरी डॉट गेंद देखने को मिला है। कोई रन नहीं आए आते हुए इस ओवर की पहली गेंद पे। और ब्रोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओवर वाला बैट मत खेलो कोई भी। ओके ओके, अच्छा ये यहाँ पे ये जो है फिलहाल के लिए दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद, सॉरी 5वीं गेंद कह रहा हूँ मैं, दूसरी गेंद। और ये हमें जो है विकेट, फिलहाल दोस्तों जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस ओवर की जो है यहाँ पर दूसरी गेंद, और देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। डॉट गेंद आएगी दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद, सिंगल हमें देखने को मिला है, सॉरी। इस ओवर की तीसरी गेंद डॉट गेंद आती हुई, 9वां ओवर चालू होते हुए 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर मलेशिया की टीम 50 रन अपने पूरे करते हुए। और अब 73 गेंदों पे 39 रनों की दरकार है दोस्तों। सो देखते हैं आगे क्या रहता है इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा। रोहित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। Oh!
Thank you.
Ooh!